नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। खबर के लिए रुख करते हैं सबसे पहले दुमका की ओर। कुरीतियों और बुराइयों को दूर कर गुरु नानक ने लोगों में भरा था प्रकाश। दुमका के राजधानी में सोमवार को सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में काफी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर सिख पंथ के धर्मावलंबी ने नानक देव जी के बताए हुए राह पर चलने का संकल्प लिया। बताया कि नानक देव जी ने कुरीतियों और बुराइयों को दूर कर लोगों के जीवन में नया प्रकाश भरने का काम किया है। रौनियार वैश्य परिषद का सांगठनिक चुनाव कल 2 दिसंबर यानी कल। दुमका के निर्माणाधीन रौनियार वैश्य परिषद धर्मशाला परिसर में परिषद का सांगठनिक चुनाव होगा। चुनाव की तैयारियों को लेकर सोमवार को चुनाव प्रभारी राजकिशोर गुप्ता की अगुवाई में बैठक की गई। चुनाव प्रभारी राजकिशोर ने कहा कि अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। जिला सड़क सुरक्षा समिति को मजबूती से आना होगा सामने। उप राजधानी दुमका में सुरक्षित यातायात के मानदंडों को बेहतर बनाने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति को मजबूती से सामने आने की दरकार है। जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से कई ऐसे मसले हैं जिनका न सिर्फ मुकम्मल कल निकाला जा सकता है बल्कि सुरक्षित यातायात को लेकर जागरूकता भी उनकी भूमिका अहम साबित हो सकती है। खबर देवघर से। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, पटना पुणे ट्रेन को देवघर तक कराया जाएगा विस्तारित। दिल्ली हावड़ा रेल लाइन पर आसनसोल रेल डिवीजन के जसीडीह मधुपुर के बीच नया रेलवे हॉल्ट स्टेशन अर्जुन नगर का उद्घाटन सोमवार को सांसद निशिकांत दुबे ने किया। पंचायतों में कट रही रात, बिजली संकट होगी पुरानी बात। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड सभी पंचायतों में व्याप्त बिजली संबंधी समस्याओं की गंभीरता से जानकारी जुटा रहा है। एक बार समस्याएं पता चल जाने के बाद प्राथमिकता के आधार पर इसका निष्पादन किया जाएगा। 17 साइबर क्रिमिनल को देवघर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 82,000 नगद समेत 22 मोबाइल फोन जब्त। देवघर पुलिस ने जिले के 3 अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 17 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। इन साइबर क्रिमिनल के पास से 82,000 रुपए नगद सहित 22 मोबाइल, 30 सिम कार्ड, एक एटीएम कार्ड और दो पहिया वाहन बरामद किए गए। यह जानकारी एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से दी। खबर गोड्डा से। सांसद पहुंचे कुरमन रेल पुल की मांग पर अड़े ग्रामीण। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे सोमवार की दोपहर बाद सदर प्रखंड के कुरमन गांव पहुंचे, जहां बीते 9 नवंबर से रेल पुल की मांग पर ग्रामीण रेल परियोजनाओं का काम रोक दिया है। योजना स्थल पर सांसद ने आने की सूचना के बाद स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जुट गए और सांसद से कुरमन गांव के पास अतिरिक्त रेल पुल की मांग कर अड़ गए। सांसद के साथ ईस्टर्न रेलवे के चीफ इंजीनियर राजीव गुप्ता सहित भागलपुर रेल सब डिवीजन के कई अधिकारी भी मौजूद थे। अवैध बालू कारोबार से मिट रहा जीवनदायिनी नदियों की वजूद। गोड्डा जिला की जीवनदायिनी कही जाने वाली कजियार नदी सहित जिले के ऐसी आधा दर्जन नदियां का वजूद इन दिनों खतरे में है। कजियार नदी के तट पर बसे गोड्डा शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के लोग करीब एक दशक से अधिक समय से जल संकट से जूझ रहे हैं। वहीं किसानों की सिंचाई सुविधा लगातार बदतर हो रही है। कभी कल कर बहने वाली नदियां आज सिकुड़ती जा रही है। ए डिविजनल क्रिकेट लीग कप पर विवेकानंद क्लब का कब्जा। जिला मुख्यालय के गांधी मैदान में आयोजित ए डिविजन लीग प्रतियोगिता के फाइनल में सोमवार को विवेकानंद क्रिकेट क्लब ने रोमांच मैच रिलायंस ए टीम को 3 विकेट से पराजित कर पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा किया। वहीं रिलायंस ए की टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचकर भी प्रतियोगिता जीतने से वंचित रह गई। विजेता टीम को पड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने पुरस्कृत किया, जबकि उप विजेता टीम को नगर अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। खबर जामताड़ा से। जामताड़ा तो यूं ही है बदनाम, अब यूपी का ये शहर बना साइबर अपराधियों का अड्डा। यूपी के सबसे हाईटेक शहर कहे जाने वाला नोएडा अब ठगों का अड्डा बनता जा रहा है। इस हाईटेक शहर में बैठे ठग देश भर के नागरिकों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इसका खुलासा नोएडा पुलिस से एक महीने में की गई 2 दर्जन से अधिक पीड़ितों की शिकायत के बाद हुआ है। इन शिकायतों में ज्यादातर मामले नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करने का है।
जमशेदपुर में जामताड़ा की तरह साइबर ठग गिरोह सक्रिय, 12 महीने में 14 ठग पकड़े गए। देश में साइबर ठगी के लिए चर्चित झारखंड के जामताड़ा की तरह जमशेदपुर में भी साइबर ठग गिरोह सक्रिय है, जो छोटे छोटे गिरोह के रूप में काम कर रही है, ठगी को अंजाम दे रहे हैं। कोल्हान प्रमंडल के पुलिस उप महानिदेशक राजीव रंजन सिंह ने कहा कि एसपी तक साइबर अपराध को पुलिस के लिए चुनौती मानते हैं। पूर्व विधायक विष्णु भैया जी ने कहा, विधायक इरफान अंसारी व उनके पिता की बेनामी संपत्ति की जांच हो। पूर्व विधायक विष्णु प्रसाद भैया ने जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इरफान अंसारी सिर्फ शारीरिक रूप से व्यस्त है, मानसिक रूप से अभी भी वह बच्चा है। पुस्तकालय की आड़ में वह जामताड़ा वासियों को बांटना बंद करे। मधुपुर में न जाने कितनी बेनामी संपत्ति इन बाप बेटे के नाम है। बीच के दो कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो पिछले 20 वर्षों से ये बाप बेटे जामताड़ा को लूट रहे हैं। खबर पाकुड़ से, ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर 70,000 वसूलने की शिकायत। बिजली मिस्त्री देवपाड़ा निवासी उमेश रविदास ने बिदा डी गाँव में ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर डांगापाड़ा निवासी कामेश्वर गोराई उर्फ बिट्टू से 70,000 रुपए लिए। रुपए लेने के बाद 8 माह बीत गया, अब तक गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। इससे नाराज बिदाडी गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को हिरणपुर थाना पहुंचकर बिजली मिस्त्री के खिलाफ शिकायत की है। कालाजार का सर्वे करने गए दो कर्मियों को बनाया गया बंधक। कालाजार का सर्वे करने इलामी पंचायत के सिरसा टोला पहुंचे केयर संस्था के कर्मी अपूर्व मिश्रा व सुकुमार मरांडी को ग्रामीणों ने सोमवार को बंधक बना लिया। दोनों कर्मी गलत पमी के शिकार हो गए। ग्रामीणों ने यह कहते हुए सर्वे करने से रोका कि दोनों कर्मचारी कोरोना का रिपोर्ट लेने के लिए गांव आए हैं। कर्मियों ने इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारियों को दी। डीसी कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक मनलाल मंडल ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस कर्मियों को तुरंत गांव पहुंचने का निर्देश दिया। ट्रैक्टर के धक्के से स्कूटी सवार महिला की मौत। खबर महेशपुर से है। महेशपुर शहर ग्रामा मुख्य सड़क पर जियापानी गांव के पास सोमवार को अज्ञात ट्रैक्टर की चपेट में आने से JSLPS संस्था के ब्लॉक एंकर पर्सन 23 वर्षीय सुफीना खातून की मौत हो गई। वह दमदमा गांव की रहने वाली थी। पुलिस अवर निरीक्षक शुभम कुमार सिंह दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंच सबको कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।